सूरत अगर भाव से देखो तो माँ से बड़ा फिर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जो मेरे मन से बात निकली और मैंने अपने भावना को मैया में विभोर किया, मैया के चरणों में अर्पण किया और शब्द निकलने लगे, क्या कितनी सुंदर है माँ तेरी सूरत, ऐसी दुनिया में सूरत नहीं है। और हाथ मैया कहे इनके सर पे, हाथ मैया कहे मेरे सर पे, तो फिर किसी की जरूरत, बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। फिर किसी की जरूरत नहीं है। और ये हकीकत है कि माँ से कोई अलैदा नहीं है, माँ से कोई अलैदा नहीं होता है। और माँ नहीं होती है तो तेरा भी जीवन नहीं होता है। माँ से ही सब कुछ, शुरुआत माँ से है और सबसे पहला गुरु माँ है। बोलना तुतला करके बच्चे की भावना में माँ बदल जाती है। वो कितनी सुंदर है माँ तेरी सूरत, ऐसी दुनिया में सूरत नहीं है। हाथ मैया कहे इनके सर पे, हाथ मैया कहे मेरे सर पे, तो फिर किसी की जरूरत नहीं। प्यारी नींद नहीं आती। माँ तो खुशियों भरा है खजाना। और हकीकत ये भी है, इतनी सुंदर है मैया की सूरत। कितनी सुंदर है? इतनी सुंदर है मैया की सूरत कि किसी मंदिर की मूरत नहीं है। भिखारी को, और राजा तो राजा होता ही, आप सब समझते हैं। तो मेरा कहना क्या है, एक भीख मांगने से लेकर के राजा तक, कौन पाया चुका माँ का कर्जा, कौन पाया चुका माँ का कर्जा, माँ का भगवान से ऊंचा दर्जा, दर्जा माँ का भगवान से ऊंचा दर्जा, दर्जा माँ का भगवान से। जब भी चाहो दुआ माँ से पालो,
जब इच्छा हो दिन में रात में अंधेरी में उजेले में कभी भी इच्छा करे कि मेरी मुझे माँ दुआ दे। आप चले जाओ बेधड़क, मैया के मुंह से कभी बुरा शब्द नहीं निकलेगा तुम्हारे लिए, चाहे कितनी भी बुरी हो। नेक बार सरकार दी लल्लू, नेक सरकार का कौन पाया चुका माँ का कर्जा और माँ का भगवान से ऊंचा दर्जा। और हकीकत ये है कि जब भी चाहो दुआ माँ से पालो, जब भी इच्छा करे, जब भी चाहो दुआ माँ से पालो, इसका कोई मुहूर्त नहीं है। ये चौथा पांचवा पुरस्कार है भैया की तरफ से, और मैं यही कहूंगा कि ए मेरी माँ इस बच्चे पर भी रहमो करम कर दे और मैया जीवन जीने का सही सलीका दे दे। बोलो सच्चे दरबार की का कौन पाया चुका माँ का कर्जा, इसका भगवान से ऊंचा दर्जा। जब भी चाहो दुआ माँ से पालो, कोशिश करके देखना। इच्छा हो कि आज में एक एजेंसी लेने जा रहा हूं या आज में किसी एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं या फिर आज में किसी ऑडिशन में जा रहा हूं या किसी खास काम से जा रहा हूं, वो मेरा बनना चाहिए। और तुम घर से मां के चरण छू के, मन से चरण छू के निकलना। हकीकत ये है कि मां का दिया हुआ वचन कभी झुक नहीं सकता और माँ के मुंह का किया हुआ वचन कभी रुक नहीं सकता। कौन पाया चुका माँ का कर्जा, माँ का भगवान से ऊंचा दर्जा। और जब भी चाहो दुआ माँ से पालो, इसका कोई मुहूर्त नहीं। कहनी चाहिए एक ही बात कहनी चाहिए जीवन में सच्चाई है ये, क्या का हर जन्म में करूं मां की पूजा, इससे बढ़ के नहीं कोई दूजा। वरदान को जो बदल दे, अगर मैया ने कह दिया कि तथास्तु तेरा काम बनेगा तो बनेगा। माँ के वरदान को जो बदल दे, गलत गलत साबित कर दे। अरे माँ के वरदान को जो बदल दे, ऐसी कोई हकूमत नहीं है। कहता परमार माँ को मना ले। कुछ लोग ऐसे के घर प्यासो बाप पर और भूखी रो रही अम्मा। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, पांच उंगली बराबर नहीं होती लेकिन कुछ हैं ऐसे के घर प्यासो। ये भैया की तरफ से छठवां सातवां पुरस्कार, 10 रुपए का पुरस्कार फिर से। और मैं यही कहूंगा कि ऐ मेरी माँ इनके भंडार भरना, इनके दुखों को दूर करना। ऐसे लोग हैं कि माँ बाप को तो समझते नहीं और दुनिया में तीर्थों में घूमते फिरते हैं। घर प्यासो बाप परो और भूखी रो रही अम्मा और बेटा गोवर्धन की दे रहे हो, तो वो परिक्रमा व्यर्थ है।
कहता परमार माँ को मना ले अपने सारे दुखों को मिटा ले अपने सारे दुखों को मिटा ले अपने सारे दुखों को मिटा ले कहता परमार हो कहता परमार माँ को मना ले अपने सारे दुखों को मिटा ले मिटा ले के बिन तुझको ना मिल सकेगी माँ के बिन तुझको ना मिल सकेगी क्या जीवन में सहूलत नहीं माँ के बिन तुझको ना मिल सकेगी ये फिर से आठवां पुरस्कार मेरे भैया की तरफ से 10 रुपए का है मेरी मैया भंडार भरना इनके अंश वंश आगे बढ़ाना इनको रोजी रोजगार दिलाना इनके दुख दुख दूर करना और सदा खुशहाली का माहौल बनाना जीवन भर कहता परमार माँ को मना दे अपने सारे दुखों को मिटा दे क्योंकि माँ के बिन तुझको ना मिल सकेगी कोई खुशी नहीं मिल सकती अपने मन को बेशक समझा लो मैया को दुख दे करके कह रहे मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा कुछ नहीं कर पाएगा प्यारे माँ के बिन तुझको ना मिल सकेगी और जीवन में सहूलत नहीं अपनी अपनी जन्म देवारी मैया की जय सच्चे दरबार की जय क्या ले जाए नेक अपने दिल में तोल प्रेम से प्रेम से जय प्रेम से जय माता की सभी लोग बोलेंगे प्रेम से जय माता की नौवा पुरस्कार 10 रुपए का भैया की तरफ से भगवती भंडार भरना कभी इनका पर्स खाली नहीं रहना चाहिए Yeah.